हेलो एवरीवन मैं हूं पवन निगी और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास एलेवेंथ केमिस्ट्री का चैप्टर थ्री जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और ये इस लेक्चर का फोर्थ एंड लास्ट पार्ट है तो पहले तीन पार्ट में हम लोग काफ़ी कुछ देख चुके हैं अबाउट द एलिमेंट्स उनके क्लासीफिकेशन के बारे में भी और कई सारी प्रॉपर्टीज़ भी हमने देखी थी और उनका पीरियोडिक ट्रेंड कैसे वो चेंज होते हैं पीरियड्स uh, में या ग्रुप्स में तो आज हमारे पास प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो अभी तक मैं आपको बता चुका हूं एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस भी इसमें हम देखा है हमने राइट right. इसके बाद हमने देखा था इलेक्ट्रॉन आइनाइजेशन एंथेल्पी फिर हमने देखा था इलेक्ट्रॉन गेन एंथेल्पी राइट तो आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इसका डेफिनेशन देखते हैं द टेंडेंसी ऑफ एन एटम ऑफ़ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द shared pair ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स itself in इन अ bond बॉन्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी राइट तो ये इसका डेफिनेशन है क्या कह रहा है डेफिनेशन किसी भी एलिमेंट की या किसी भी एटम की टेंडेंसी किसी भी कोवलेंट बॉन्ड में कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे उसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं तो उसके लिए हमें थोड़ा समझना पड़ेगा वॉट इज अ कोवलेंट बॉन्ड तो आपको पता है जो कोवलेंट बॉन्ड है दैट इज़ फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तो अगर सिंगल कोवोलेंट बॉन्ड है तो वन वन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी ऐसे डबल कोवोलेंट बॉन्ड आपने देखा होगा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में तो यहाँ दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है और नाइट्रोजन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है राइट सो इट इज अ सिंगल कोवोलेंट बॉन्ड इट इज अ डबल कोवलेंट बॉन्ड इट इज अ ट्रिपल कोवोलेंट बॉन्ड तो सिंगल कोवोलेंट बॉन्ड के एग्जाम्पल से हम समझते हैं तो so, अब एक और मॉलिक्यूल मैं लिख रहा हूं एक है एच सी एल एच सी एल इज ऑल्सो अ कोवोलेंट मॉलिक्यूल और कोवोलेंट कंपाउंड तो यहां पर अगर आप देखेंगे जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर आपको दिखाई दे रहा है हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में इन दिस मॉलिक्यूल और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर दिखाई दे रहा है एच अच इनमें कोई डिफरेंस नहीं है बट डिफरेंस किसमें है देखिए यहां दोनों हाइड्रोजन है और यहां है वन हाइड्रोजन एंड वन क्लोरीन सो द फर्स्ट वन इज कॉल्ड होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल इसको हम कहते हैं वॉट इट इज कॉल्ड होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल और इसको हम कहते हैं हेट्रो हेट्रो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल न्यूक्लियर मॉलिक्यूल राइट तो होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल का सीधा सीधा मतलब हो गया जिसमें दोनों एटम सेम हैं और न्यूक्लियर मॉलिक्यूल का मतलब है जिसमें दोनों एटम सेम नहीं हैं राइट right? इतना आपको समझ में आया होगा अब अगर आप इनके जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस पर अगर हम फोकस करते हैं तो हम क्या देखते हैं देखिए कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट इज़ अट्रैक्टेड बाय बोथ द एटम्स विथ इक्वल फोर्स बिकॉज कोवलेंट बॉन्ड में क्या हो रही है शेयरिंग हो रही है राइट right? क्या हो रही है शेयरिंग हो रही है एंड इन शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन पेयर इज अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ बोथ द न्यूक्लियर और बोथ द एटम राइट दोनों ही ऐटम क्या कर रहे होंगे दोनों ही इलेक्ट्रॉन पेयर को इक्वली अट्रैक्ट कर रहे होंगे ये बात हो रही है होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल की बट हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल में ऐसा नहीं है क्योंकि दोनों एटम अलग अलग हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों अलग अलग हैं तो दोनों की जो टेंडेंसी होती है इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की वो भी अलग अलग होती है एंड इन दिस केस जो क्लोरीन है उसकी ज़्यादा टेंडेंसी है क्लोरीन को सॉरी इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो अब एग्जैक्टली exactly इन दोनों के बीच में रहेगा नहीं यहाँ जो इलेक्ट्रॉन पेयर आपको दिखाई दे रहा है ये हाइड्रोजन और क्लोरीन के एग्जैक्टली बीच में नहीं रहने वाला है इट विल बी स्लाइटली शिफ्ट टूवॉर्ड्स द क्लोरीन तो यहाँ जो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन पेयर आपको दिखाई दे रहा है ये हल्का सा किसकी तरफ चला जाएगा क्लोरीन की तरफ चला जाएगा राइट right. क्लोरीन की तरफ चला जाएगा इसके मतलब है लोरीन के आसपास क्या होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा एंड बिकॉज इलेक्ट्रॉन हैज द नेगेटिव चार्ज तो इसका आउटपुट क्या होगा आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा एच सी एल डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव अब ये क्या है देखिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर मैंने एस एस दिखाया नहीं है आप चाहो तो ऐसा भी दिखा देते हैं ये थोड़ा इधर को शिफ्ट हो गया क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गया है तो क्योंकि क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव सॉरी इलेक्ट्रॉन पेयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और वो इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोरीन के नज़दीक है तो क्लोरीन के ऊपर भी क्या आ जाएगा स्लाइटली नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा ये स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो ये डेल का मतलब होता है पार्शियल मतलब थोड़ा सा नॉट कंप्लीट पार्शियल क्या है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और आप देखिए क्योंकि हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन पेयर दूर जा रहा है नेगेटिव चार्ज दूर जा रहा है तो नेगेटिव चार्ज की एब्सेंस का मतलब है इट विल डेवलप पॉजिटिव चार्ज सो हाइड्रोजन हैज़ डेवलप अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ क्या बन गए हैं हाइड्रोजन क्लोराइड के मॉलिक्यूल में पोल्स बन गए हैं पोल्स का मतलब यहाँ पर है इलेक्ट्रिक पोल से मतलब है या इलेक्ट्रिक डाईपोल से मतलब है एक है नेगेटिव एंड और एक है पॉजिटिव एंड तो इस टाइप के मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं पोलर कोवलेंट मोलिक्यूल और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा पोलर कोवलेंट बॉन्ड या मॉलिक या कंपाउंड क्या हो जाएगा पोलर कोवलेंट कंपाउंड जबकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन में ऐसा नहीं है तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये जो है जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है वो कैसा है नॉन पोलर तो कुल मिला के कोवलेंट कंपाउंड के भी दो टाइप हो गए एक हो गया नॉन पोलर एक हो गया पोलर तो पोलर क्यों आया ड्यू टू डिफरेंस इन द टेंडेंसी ऑफ द एटम्स टू अट्रैक्ट द शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू वर्ड्स इट और इसी टेंडेंसी को हम क्या कह रहे हैं दिस इज वॉट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी राइट तो आई होप आपको समझ में आया होगा वॉट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अब एक और बात इसमें हमको समझनी है जो हमने पढ़ा था एटॉमिक रेडियस वो एटम की प्रॉपर्टी है जो आइनाइजेशन एंथैल्पी हमने पढ़ा वो भी एटम की प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ा वो भी एटम की प्रॉपर्टी है मतलब एटम, एटॉमिक स्टेट की प्रॉपर्टी है एटम की तो है ही बट वो एटम कैसा होना चाहिए एटॉमिक स्टेट में होना चाहिए क्योंकि इसकी डेफिनेशन में आपने देखा है आइसोलेटेड गैसियस एटम राइट इवन इसकी डेफिनेशन में भी हमने देखा है आइसोलेटेड गैसियस एटम जबकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एटम इन द बॉन्डेड स्टेट बॉन्डेड स्टेट राइट मतलब जब एच और सी आपस में बाइंड होंगे तभी तो सी की सी की क्या होगी तभी तो सीएल की टेंडेंसी होगी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इट सेल तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एटम इन द बॉन्डेड स्टेट अगर मैं इसको चेंज कर दूं सी एल केवल एटम है तो अभी तो ये किसी भी इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है एटॉमिक क्लोरीन है तो अभी हम इलेक्ट्रो नेगेटिविटी नहीं बता पाएंगे राइट तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है जो इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एंथैल्पी है इलेक्ट्रॉन गेन एनथेलपी है दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन आइसोलेटेड आइसोलेटेड गैसियस एटम राइट और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑफ एटम इन दॉन्डेड स्टेट तो एक बार फिर से मैं आपको समझा दू डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो so, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेफिनेशन मैंने आपको बताया वॉट द टेंडेंसी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू वर्ड्स इट सेल्फ इन आ खोवलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी राइट द टेंडेंसी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू वॉट इट सेल इन अ कोवलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अब अलग अलग एटम की अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है अलग अलग टेंडेंसी होती है टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो उनको कंपेयर करने के लिए एक स्केल बनाया गया है राइट तो उस स्केल पर क्या है जो फ्लोरीन है फॉर एफ फ्लोरीन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज एजाइंड फोर ऑन द पोलिंग स्केल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के भी अलग अलग स्केल हो सकते हैं बट जो हम यूज करते हैं जनरली वो है पोलिंग स्केल नाम है स्केल का और उस स्केल पर फ्लोरिन को कितना वैल्यू दिया गया है एजाइन उसको किया गया है आर्बिट्रेटरी वैल्यू दिया गया है फोर और इसके कंपैरिजन में हम क्या निकालते हैं बाकी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालते हैं तो ये एक कैसा है रिलेटिव स्केल है राइट एब्सोल्यूट स्केल नहीं है मतलब हमने ऐसे ही मान लिया है कि फ्लोरिन की वैल्यू कितनी है फोर बाकी एलिमेंट की जब हम फ्लोरिन के रेस्पेक्ट में निकालते हैं सो वो कितनी आती है लेस देन फोर तो एक नोट करने वाली बात यहां पर यह हो गई दैट फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिविटी पूरी पीरियोडिक टेबल में किसकी होती है फ्लोरिन की बाकी सबकी क्या होगी फोर से कम होगी और ये ध्यान हमें रखना है कि ये जो स्केल की बात हो रही है ये कैसा स्केल है ये है पोलिंग स्केल कोई और स्केल पे हो सकता है कि इलेक्ट्रो नेगेटिविटी वैल्यू अलग हो जाए बट जनरली हम पोलिंग स्केल ही यूज़ करते हैं तो आपको जो भी टेक्स्ट बुक वगैरह में या एग्जाम में देखने को मिलेगा वो पोलिंग स्केल ही होगा इसके बाद हम देखते हैं इसका वेरिएशन जैसे हमने बाकी प्रॉपर्टी का देखा है तो हम देखने वाले हैं हाउ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंजेस वाइल वी मूव अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड डाउन द ग्रोप तो आप देखिए जब हम लेफ़्ट से राइट right चलेंगे तो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ती है एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है क्या है टेंडेंसी टू तो अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन पेयर उसको हमने क्या कहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिविटी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी और हमें यह भी पता होना चाहिए कि ऐसी टेंडेंसी ज्यादा किसमें होती है नॉन मेटल्स में राइट क्योंकि मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है टू डोनेट इलेक्ट्रॉन राइट इसलिए हम कहते हैं नॉन मेटल्स हैव इलेक्ट्रो नेगेटिव कैरेक्टर राइट नॉन मेटल्स हैव इलेक्ट्रो नेगेटिव कैरेक्टर और जबकि मेटल्स का क्या होता है दोस्तों मेटल्स का होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर राइट और इलेक्ट्रो नेगेटिव और इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर का मतलब क्या होगा टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रो नेगेटिव एंड टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रो पॉजिटिव तो एक एग्जाम्पल भी मैं आपको बता दूं कोई इलेक्ट्रॉन को ले रहा है या एक्सेप्ट कर रहा है वो भी हम कहेंगे इलेक्ट्रो नेगेटिव कैरेक्टर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं एक रिएक्शन बहुत कॉमन सी एल प्लस इलेक्ट्रॉन तो सी एल नेगेटिव तो यहां पर ये यह क्या डिनोट कर रहा है इलेक्ट्रॉन की एन तो होगा ही वो एनर्जी का चेंज है बट अगर आप टेंडेंसी की बात कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर हो गया और अगर आप सोडियम को देखिए सो एन ए विल चेंज इन टू एन ए पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन तो ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को दे रहा है इसका ऑपोजिट कभी भी ठीक नहीं होगा या ज़्यादातर केस में ठीक नहीं होगा मतलब सी एल इलेक्ट्रॉन दे के सी एल पॉजिटिव बने ये बहुत कम ही केसेज में सही मिलेगा ज़्यादातर केस में नहीं मिलेगा और कभी भी सही नहीं होगा ऐसा भी नहीं है वो खास एग्जाम्पल आप देखेंगे आने वाले चैप्टर्स में इसके बाद अगर मैं लिखूँ एन और इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये एन पॉजिटिव होगा तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं होगा मतलब क्लोरीन बहुत कम इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर शो करता है और सोडियम ना के बराबर या नहीं करता है इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर तो ये आपको समझ में आया कि जो नॉन मेटल हैं उसका नेचर कैसा होता है इलेक्ट्रो नेगेटिव और जो मेटल्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव राइट अब हम देखने वाले हैं वेरिएशन अक्रॉस द पीरियड आप देखिए लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन तो जब आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल पीरियड में तो बड़ी रेगुलरली क्या हो रहा है इलेक्ट्रो नेगेटिविटी बढ़ रही है और ऐसा होना भी चाहिए क्यों क्योंकि लेफ्ट वाला अगर आप देखेंगे एलिमेंट तो ये है मेटल और मेटल की इलेक्ट्रो नेगेटिविटी कम होती है राइट उनकी इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी ज़्यादा होती है सो द वैल्यू इज वन और यहाँ देखिए फ्लोरीन, इट इज़ अ टिपिकल नॉन मेटल राइट तो फ्लोरीन तो वैसे ही हमने देखा है इसकी वैल्यू होती है फोर सो लेफ्ट से राइट right जाने में इलेक्ट्रो नेगेटिविटी बढ़ रही है नॉन मेटलिक करेक्टर बढ़ रहा है राइट right. और टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगी अगर हम इनके बॉन्डेड फॉर्म देखेंगे सो लेफ्ट से राइट right जाने में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी डाउन द ग्रुप जाने में क्या होगा देखिए डिक्रीजेज ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप एज अटोमिक साइज इनक्रीजेज अब आप देखिए फ्लोर लिथियम में आपको पता है दो शेल होती हैं सोडियम में तीन होती हैं पोटेशियम में चार होती हैं रोबीडियम में पांच और सीजियम में छः राइट right. तो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर वैसे तो ये बहुत कम ही कोवलन कंपाउंड बनाते हैं फिर भी अगर टेंडेंसी है भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की तो ये है लिथियम तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कौन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट तो अल्टीमेटली किसने करना है न्यूक्लियस ने ही करना है राइट अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट कर रहा है न्यूक्लियस तो यहाँ न्यूक्लियस और आउटर मोशन के बीच में डिस्टेंस कम है तो थोड़ा बहुत अट्रैक्टिव फोर्स होगा जो पता भी चल रहा है बाय द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ वन और सी में अगर आप देखेंगे सो न्यूक्लियस के बाद कितनी शेल होंगी छः और छठे सेल में क्या होगा आपके पास आ, लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यहाँ तो यहाँ बीच में सब इलेक्ट्रॉन है और यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसके बाद न्यूक्लियस ने और आगे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है ये आउटर मोस्ट ना हो कि इससे बाहर वाला जो बॉन्डेड पेयर है उसकी अट्रैक्शन की बात हो रही है राइट तो यहां पर जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो बहुत कम हो जाएगा या टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन वो बहुत कम हो जाएगी इसलिए डाउन द ग्रुप जाने में क्योंकि एटोमिक साइज बढ़ता है इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है वैसे भी डाउन द ग्रुप जाने में मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा देखिए लिथियम से ज़्यादा मेटेलिक करेक्टर होगा सोडियम में सोडियम से ज़्यादा होगा पोटेशियम में पोटेशियम से ज़्यादा होगा रोबीडियम में रोबीडियम से ज़्यादा होगा सीजियम में तो सीजियम का सीजियम में मेटेलिक करेक्टर बहुत ज़्यादा है सीजियम में क्या है मेटेलिक करेक्टर बहुत ज़्यादा है और मेटेलिक करेक्टर को अगर मैं एक्सप्लेन करूं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी या इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर तो सीजियम में ज़्यादा होगा क्योंकि सीजीएम का साइज बहुत बड़ा है आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को बहुत इजीली लूज कर देगा राइट तो इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होती है क्योंकि इलेक्ट्रो पॉजिटिव पॉजिटिविटी बढ़ जाती है बोथ आर ऑपोजिट इन नेचर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर घट रही है तो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी बढ़ेगी तो एक थर्म रूल हमको याद रख लेना है ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज वाइल ऑन मूविंग डाउन सॉरी डाउन द ग्रुप इन इन डाउन द ग्रुप द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस पीरियड में बढ़ती है पीरियड में बढ़ती है और ग्रुप में घटती है तो ये बात हुई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की इसके बाद हम बात करते हैं वेलेंसी की राइट right? सो so, वेलेंसी क्या है पहले हमें समझ होनी चाहिए वेलेंसी क्या है वेलेंसी को हम कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं तो अगर मैं बात करूँ थर्ड पीरियड के एलिमेंट की थर्ड पीरियड के एलिमेंट क्या है लिथियम के बाद आता है बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन एंड इवन राइट तो वैलेंसी को हम कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं पहला तो यह है द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू कंबाइन विद अदर एलिमेंट उसी को हम वैलेंसी कहते हैं राइट right? एक और तरीका यह है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो और लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं यह देखिए तो अगर मैं लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिखूंगा तो लास्ट शेल में होगा वन इलेक्ट्रॉन फिर टू फिर थ्री फिर फोर फिर फाइव फिर सेवन फिर एट राइट right? अब इससे वैलेंसी कैसे पता चलता है वैलेंसी का रूल है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द दउटर मोशियल ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोशियल और ये है वैलेंसी तो वैलेंसी हम निकालते हैं बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोशियल और

आउटर मोस्ट शेल में फोर इलेक्ट्रॉन एट माइनस फोर इज फोर तो वेलेंसी होगी फोर आउटर मोस्ट शेल में फाइव इलेक्ट्रॉन एट माइनस फाइव थ्री तो छोटा कौन है थ्री तो यहां वेलेंसी हो जाएगी थ्री ऑक्सीजन के केस में आउटर मोस्ट शेल में सिक्स इलेक्ट्रॉन एट इज टू सो वेलेंसी इज टू आउटर मोस्ट शेल में सेवन इलेक्ट्रॉन एट माइनस सेवन इज वन सो वन इज लेस देन सेवन सो वन इज वेलेंसी यहां पर कितनी होगी एट और एट माइनस एट जीरो तो छोटा कौन है जीरो तो ये हो गया वेलेंसी एक और तरीके से हम समझ सकते हैं मैंने कहा था वेलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट और वो हम कैसे निकालते हैं कोई एलिमेंट कितने हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है या कितने क्लोरीन के साथ कंबाइन करता है उसी से हम निकालते हैं इसकी वैलेंसी तो अगर मैं लीथियम और हाइड्रोजन का कंपाउंड बन क्लास नाइन से हम लोग पढ़ते आए हैं वैलेंसी के बारे में सो ये हो जाएगा लिथियम हाइड्राइड एक यहाँ हो जाएगा लिथियम सॉरी ये हो जाएगा बेरिलियम डाईहाइड्राइड ये हो जाएगा बी एच थ्री ये हो जाएगा बी एच फोर यह हो जाएगा एन एच थ्री ये हो जाएगा एच टू ओ यह हो जाएगा एच एफ और ये हो जाएगा कोई कंपाउंड ही नहीं बनेगा राइट तो यहाँ पे डिफाइन ही नहीं है तो कितने हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया वो भी वैलेंसी है तो लिथियम की है वन एक हाइड्रोजन के साथ बेरिलियम की है टू क्योंकि ये दो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है बोरॉन कंबाइनिंग विथ थ्री हाइड्रोजन सो वैलेंसी इज थ्री कार्बन सॉरी ये सी एस फोर होना चाहिए कार्बन कंबाइनिंग विद फोर हाइड्रोजन सो वेलेंस इज फोर राइट इसके बाद नाइट्रोजन कंबाइनिंग विद थ्री हाइड्रोजन वेलेंस इज थ्री ऑक्सीजन कंबाइनिंग विद टू हाइड्रोजन वेलेंस इज टू फ्लोरिन कंबाइनिंग विद वन हाइड्रोजन दैट्स वाई वेलेंस इज वन एंड नियॉन इज नॉट कंबाइनिंग विद एनी हाइड्रोजन दैर्स वाई वेलेंस इज जीरो मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी है ही नहीं नियॉन में और क्यों नहीं है यह भी हम जानते हैं बिकॉज नियॉन इज अ नोबल गैस neon is a नोबल गैस that's why इट डज नॉट combine that's why इट हैज़ valency जीरो अब कैसे चेंज होगा ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड देखिए सो वन टू थ्री फोर फोर तक बढ़ रहा है फिर थ्री टू वन जीरो सो पहले वन से फोर तक बढ़ेगा जनरली किसी पीरियड में और फिर डिक्रीज होगा जीरो तक और कुछ मैंने आपको पहले भी बताया है कई सारे एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं वो हम आगे देखने वाले हैं राइट right? जैसे नाइट्रोजन के केस में नाइट्रोजन के बाद फॉस्फोरस आता है तो फॉस्फोरस पी सी एल थ्री राइट यहां पर हाइड्रोजन के साथ साथ क्लोर कितने क्लोरीन के साथ कंबाइन करेगा वो भी वैलेंसी होता है जैसे एल आई सी एल तो एक ही क्लोरीन के साथ कंबाइन किया है तो वैलेंसी वन सी सी एल फोर कार्बन टेट्राक्लोराइड सो वैलेंसी अगेन फोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन और क्लोरीन क्योंकि क्लोरीन की भी वैलेंसी वन ही होती है हाइड्रोजन की भी वन होती है तो फॉस्फोरस इज कम्बाइनिंग विधी क्लोरिन टू फॉर्म फॉस्फोरस वैलेंसी कितनी है तीन और यहां, यहां वैलेंसी कितनी है फाइव तो कुछ एलिमेंट क्या करते हैं वेरिएबल वैलेंसी शो शो करते हैं क्यों करते हैं यह हम आगे वाले चैप्टर में देखेंगे राइट right? तो ये मैंने बताया आपको ट्रेंड इन अ ट्रेंड इन अ पीरियड ग्रुप में अगर आप देखेंगे तो ग्रुप में क्या होता है जनरली जो वैलेंसी होगा वो अनचेंज रहता है ग्रुप में क्या होता है जो वैलेंसी होगा वो चेंज नहीं होगा राइट right? तो अगर मैं फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट की बात करूं तो सारे एलिमेंट जो ग्रुप वन में है वो क्या करेंगे वन वैलेंसी ही शो करेंगे फॉर एग्जांपल ये है आपका लिथियम सोडियम पोटेशियम रोबीडियम सीजियम एन फ्रेंसियम फ्रेंसियम वैसे रेडियो है तो अगर इनका आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे लिथियम का वन सोडियम का भी वन पोटेशियम का वन भी काम सीजियम का भी वन राइट right? तो वैलेंसी कितनी होगी भाई वैलेंसी भी होगी वन 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 एंड वन इसका मतलब है डाउन द ग्रुप जाने में किसी ग्रुप में वैलेंसी चेंज नहीं होता है राइट वैलेंसी चेंज नहीं होगा तो जितने भी एलिमेंट हैं किसी ग्रुप के उनकी वैलेंसी एक जैसी ही होती है कुछ में वेरिएबल वैलेंसी होती है वो अलग बात है बट जनरली वैलेंसी एक जैसी ही रहती है सो so, ग्रुप वन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी वन ग्रुप ग्रुप वन की वैलेंसी वन ग्रुप टू की टू राइट ऐसे अगर आप ग्रुप बीच में तो डी ब्लॉक आ गए उनका वेरिएबल वैलेंसी होता है ज़्यादातर फिर अगर आप थर्टीन में आ जाएंगे तो थर्टीन ग्रुप में वैलेंसी हो जाएगी थ्री राइट फोर्टीन ग्रुप में क्या हो जाएगी वैलेंसी फोर इसके बाद फिर से कम होने लगेगी फिफ्टीन ग्रुप में हो जाएगी थ्री सिक्सटीन ग्रुप में हो जाएगी टू सेवेंटीन ग्रुप में हो जाएगी वन और एटीन ग्रुप में हो जाएगी जीरो ये ग्रुप की मैं बात कर रहा हूं मतलब जितने भी एलिमेंट हैं ग्रुप वन के सबके लिए वैलेंसी ये होगी जनरल वैलेंसी फिर टू फिर थ्री फिर फोर फिर थ्री टू वन एंड जीरो ग्रुप एटीन के कितने भी जितने भी एलिमेंट हैं सबके लिए वैलेंसी क्या होगा ज़ीरो ही होगा ये जनरल प्रॉपर्टीज़ में हम पढ़ रहे हैं आगे चल के आप देखेंगे कई बार जो नोबल गैसेज हैं वो भी कंपाउंड बनाते हैं मतलब उनमें भी वैलेंसी होती है बट वो फ़िलहाल बात की बातें हैं फिलहाल हम ये समझते हैं कि जो ग्रुप 18 के एलिमेंट हैं वो क्या नहीं करते हैं कंबाइन नहीं करते हैं तो हीलियम हमने क्या कहा था हीलियम के बाद आता है नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनन एंड रेडॉन तो इनके लिए अगर आप आउटर मोश में इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो यहाँ टू एक्सेप्शनली फिर यहाँ एट 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 एंड एट रूल आप लगाएंगे एट माइनस वैलेंसी शेल तो ये सिक्स आएगा बट वो एक्सेप्शनली क्या होगा जीरो ही होगा फिर जीरो 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 एंड जीरो सबकी बैलेंसी कितनी है जीरो इसके बाद हम देखते हैं एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट तो कुछ एनोमलीज होती हैं एनोमलीज होती हैं मतलब कुछ आ, अलग प्रॉपर्टी एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज होती हैं सेकेंड पीरियड के एलिमेंट की अब सेकेंड पीरियड के एलिमेंट कौन है वो हम देख लेते हैं हाइड्रोजन के बाद लिथियम तो लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरिन ये हैं सेकेंड पीरियड के एलिमेंट राइट तो इनकी कुछ क्या होती हैं बोला एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज होती हैं नॉमलेस प्रॉपर्टीज होती है बाकी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप से तो ऐसा क्यों है वो हम समझते हैं पहले फैक्ट जानते हैं दैट एलिमेंट्स इन अ ग्रुप शो सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब किसी भी ग्रुप के ये तो पीरियड हमने लिखा है बट अभी हम ग्रुप की बात कर रहे हैं किसी भी ग्रुप के एलिमेंट जैसे फर्स्ट ग्रुप लिथियम सोडियम पोटेशियम पोटेशियम के बाद रोबीडियम सीजियम एंड फ्रेंचियम तो इन सब की क्या होती है सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है और इसीलिए हम क्या पढ़ रहे हैं पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं ठीक है हवेबर द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप हवेबर द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप डिफर इन मेनी प्रॉपर्टी डिफर इन मेनी रेस्पेक्ट ना होकर एस्पेक्ट होगा सॉरी इसको आप करेक्ट कर लीजिए एस्पेक्ट फ्रॉम अदर मेंबर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव ग्रुप राइट तो क्या होगा जो लीथियम है उसका काफ़ी डिफरेंस है बाकी एलिमेंट से सिमिलैरिटी है नो डाउट इसलिए वो उस ग्रुप में इंक्लूड किया गया है बट इन सिमिलैरिटीज़ के बाद भी कुछ डिफरेंसेस होते हैं राइट right? तो ये हम पढ़ने और लिथियम आप देखिए कौन से पीरियड का एलिमेंट है लिथियम है सेकेंड पीरियड का एलिमेंट राइट right. ऐसे आप दूसरे ग्रुप में देखेंगे बेरिलियम वाले में देखेंगे क्या है बेरिलियम के बाद आता है मैग्नीशियम कैल्शियम स्टॉनसियम बेरियम एंड रेडियम राइट right. सो so, बेरिलियम क्या है आपका फर्स्ट मेंबर है फर्स्ट एलिमेंट इस ग्रुप का सेकेंड ग्रुप का बट इसकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टी क्या होती हैं इनसे अलग होती हैं सिमिलर भी काफ़ी होती हैं बट कुछ क्या है अलग भी हैं और बेलियम आप देखिए कौन से पीरियड का एलिमेंट है सेकेंड तो फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट हमने क्यों इंक्लूड नहीं किए यहाँ पर क्योंकि फर्स्ट पीरियड में दो ही एलिमेंट हैं हाइड्रोजन और हीलियम और उनको हम अलग अलग, अलग पढ़ते हैं राइट right. तो इसलिए हम सेकेंड पीरियड्स की ही बात कर रहे हैं अब देखिए क्या क्या प्रॉपर्टी अलग हैं वो भी हम समझ लेते हैं अगर आप लीथियम की बात करें तो लीथियम क्या करता है लीथियम फॉर्म्स लीथियम फॉर्म्स कंपाउंड विथ प्रोनाउंसड कोवल करेक्टर वाइल द अदर एलिमेंट्स फॉर्म आइनिक कंपाउंड आपने जब पढ़ा था जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द एल्कली मेटल्स या एस ब्लॉक एलिमेंट तब तो हमने कहा था इनके जो कंपाउंड हैं वो जनरली कैसे होते हैं आइनिक इसलिए मैं कह रहा हूँ जो भी बातें हम कर रहे हैं वो जनरल हैं मतलब उनमें एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेंगे तो अगर मैं बात करूं एन की तो एन कैसा है आइनिक राइट जबकि अगर मैं एल की बात करूं या एल आई आई लिथियम आइड्राइड की बात करूं तो इसमें जो आइनिक करेक्टर है वो कम होता है इसमें क्या होता है काफी ज्यादा कोवलेंट करेक्टर होता है क्यों होता है ये हम अगले वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं तो मतलब ये क्या है एक्सेप्शनल uh, प्रॉपर्टीज है और भी कई सारे हैं वो हम देखेंगे आने वाले चैप्टर्स में तो हम जानते हैं इसका कारण क्या है द कॉज ऑफ एनामलस प्रॉपर्टीज ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट तो ऐसा क्यों है स्मॉल साइज ऑफ द एटम एंड इट्स आइन देखिए लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, सीजियम फ्रेंसियम यहाँ है बेरिलियम, मैग्नीशियम कैल्शियम स्टोनशियम बेरियम एंड रेडियम तो जो लिथियम है इसका साइज या बेरिलियम है इसका साइज एक्सेप्शनली स्मॉल है और जब ये आयन बनाएगा ऑब्वियसली कैटाइन बनाएगा तो और भी छोटा साइज हो जाएगा और साइज से कई सारी प्रॉपर्टी डिसाइड होती हैं वो हम आगे वाले आने वाले टॉपिक्स में देखेंगे तो ये एक कारण है दूसरा लार्ज चार्ज टू रेडियस रेशियो अब लार्ज चार्ज टू रेडियस रेशियो का क्या मतलब है अगर मैं इन सब के ऊपर चार्ज निकालू आयन जब ये बनाएंगे तो सबके ऊपर वन पॉजिटिव चार्ज होगा लिथियम सिंगल पॉजिटिव सोडियम सिंगल पॉजिटिव पोटेशियम सिंगल पॉजिटिव एंड सो ऑन राइट इसके बाद डाउन द ग्रुप जब आप जाएंगे तो क्या होगा साइज इंक्रीज होगा साइज क्या होगा इंक्रीज होगा डाउन द ग्रुप जाने में आयन का साइज बढ़ता है तो अगर आप निकालेंगे चार्ज 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 टू टू रेडियस या साइज साइज रेशियो रेशियो तो, तो क्या आ जाएगा लिथियम आयन के लिए सबसे ज्यादा होगा और डाउन द ग्रुप जाने में ये धीरे धीरे कम होगा राइट क्योंकि लिथियम का साइज सबसे छोटा है तो डिनोमिनेटर में छोटा टर्म अगर आ रहा है तो फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ जाएगी इतना आपने पढ़ा होगा और सेम चीज अप्लाई होगी बेरिलियम के लिए भी तो लार्ज चार्ज टू रेडियस रेशियो की वजह से भी कई सारी प्रॉपर्टीज इसकी क्या होती हैं अलग होती हैं राइट right? इसकी वजह से इसमें एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज या अनोमलस प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनकी इसके बाद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने देखा डाउन द ग्रुप जाने में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है डाउन द ग्रुप जाने में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो से भी कई सारी प्रॉपर्टी डिसाइड होती हैं इसके साथ साथ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन देयर वैलेंसी शेल इनमें डी ऑर्बिटल्स हैं ही नहीं या मान लीजिए क्या है वैकेंट हैं फॉर एग्जाम्पल मैं लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिखूंगा और सोडियम का लिखूंगा सो इट इज थ्री इट इज इलेवन सो इट इज वन एस टू टू एस वन एस टू टू एस वन राइट सोडियम में क्या होता है वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस वन तो यहां आप थर्ड शेल तक पहुंच गई हैं और थ्री एस में क्या होता है थ्री पी भी होता है और थ्री डी भी होता है भले यहां पर ये जीरो जीरो है टू एस में क्या होगा टू पी होगा जीरो है भले टू डी तो नहीं होता है राइट right. तो ये जो डी नहीं होता है इसकी वजह से भी कई सारी प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं राइट right. तो इसीलिए हम कह रहे हैं नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन देयर वैलेंसी शेल सेकेंड पीरियड के एलिमेंट में डी ऑर्बिटल हैं ही नहीं थर्ड पीरियड में है बट वो वैकेंट हैं बट हैं तो सही राइट ड्यू टू विच दे नॉट एक्सपेंड देयर ऑक्टेट इसलिए ये अपना ऑक्टेट नहीं एक्सपेंड कर पाते हैं इसको हम आगे वाले चैप्टर में थोड़ा डिटेल में समझेंगे फिलहाल इसका क्या प्रभाव पड़ता है क्या इफेक्ट है वो हम समझ लेते हैं दैट दैट इसीलिए इसकी वजह से क्या होता है जो फस्फोरस है फॉस्फोरस क्या बना पाता है पीसीएल थ्री भी बना पाता है पी सी एल फाइव भी बना पाता है क्योंकि यहाँ डी ऑर्बिटल है वो पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में डिटेल में हम इसके नेक्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे जबकि एन सी एल थ्री एन सी एल थ्री बनता है बट एन सी एल फाइव नहीं बनता है तो ये एनॉमलस प्रॉपर्टीज हुई कि नहीं हुई राइट right. तो इन सब कारणों की वजह से जो पहले एलिमेंट हैं ग्रुप की या सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट हैं वो क्या करते हैं एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज शो करते हैं राइट right? पहले पीरियड के एलिमेंट की हम बात नहीं कर रहे हैं सेकेंड पीरियड के क्योंकि पहले पीरियड में तो हाइड्रोजन ही है और उसको हम सिंगल एलिमेंट की तरह स्टडी करते हैं किसी ग्रुप में उसका स्टडी नहीं करते हैं और हीलियम तो है ही इनर्ट गैस राइट इसलिए हम बात कर रहे हैं सेकेंड पीरियड की एलिमेंट की तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है डायगनल रिलेशनशिप नाम से पता चल रहा है डायग्नल रिलेशनशिप मतलब डायग्नल में क्या है सिमिलैरिटी है राइट right? तो देखिए सम एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंड पीरियड अभी अभी हम बात कर रहे थे सेकेंड पीरियड की एलिमेंट की क्या होती है एनामलस प्रॉपर्टीज होती हैं या कुछ प्रॉपर्टी डिफर करती हैं उनकी उन्हीं एलिमेंट की उन्हीं एलिमेंट से जो उनके ग्रुप में हैं तो अब क्या है देखिए सम एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंड पीरियड शो सिमिलैरिटीज विथ द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड प्रेजेंट डायग्नली टू ईच अदर थ्रू दो बिलोंगिंग टू डिफरेंट ग्रुप्स दिस इज कॉल्ड द डायगनल रिलेशनशिप तो हम बड़े ध्यान से समझते हैं डायग्नल रिलेशनशिप को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा ये किस पीरियड की एलिमेंट की बात हो रही है तो मैं आपको बता दूँ ये बात हो रही है सेकेंड पीरियड की और सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हमने देखे हैं लिथियम है बेरिलियम है बोरॉन है कार्बन है, है और आगे भी हैं और इनके बारे में हमने इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ा दैट दीज हैव एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज़ और ये क्या हैं ये अपने ग्रुप के एलिमेंट से कुछ क्या करती हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ में डिफर करती हैं बट ये दूसरे ग्रुप के साथ मैच करती हैं हम पूरा पीरियडिक टेबल में क्या पढ़ रहे हैं कि एक ही ग्रुप के एलिमेंट की सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती है बट यहाँ पर क्या है डायगनल सिमिलैरिटी है मतलब ग्रुप पीरियड टू का एलिमेंट पीरियड थ्री के एलिमेंट से सिमिलैरिटी रखता है प्रॉपर्टी में जबकि सोडियम भी थ्री थर्ड पीरियड का ही है बट कैसे जो डायगनली अपोजिट हो बेरिलियम किससे सिमिलरिटी रखता है एल्यूमिनियम से ब्रॉन किससे सिमिलैरिटी रखता है सिलिकॉन से नो डाउट बोरॉन और एल्यूमिनियम की कुछ प्रॉपर्टी सिमिलर भी होंगी क्योंकि वो ओवरऑल एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं उनमें कुछ डिफरेंसेस भी हैं जो हमने इससे पहले टॉपिक में देखा बट यहां बात हो रही है देयर इज सिमिलैरिटी बिटवीन द एलिमेंट ऑफ पीरियड सेकेंड एंड पीरियड थर्ड विच आर इन डिफरेंट ग्रुप्स इट इज ग्रुप नंबर वन एंड इट इज ग्रुप नंबर सॉरी ये मैंने कुछ गलत लिख दिया है शायद इट इज ग्रुप नंबर टू राइट इट इज ग्रुप नंबर थर्टीन इट इज ग्रुप नंबर फोर्टीन तो जो एलिमेंट डायगनल है मतलब लिथियम और मैग्नीशियम की काफी प्रॉपर्टीज मैच करती है बेरिलियम और एल्यूमिनियम की काफी प्रॉपर्टीज मैच करती हैं बोरॉन और सिलिकॉन की काफी प्रॉपर्टीज मैच करती हैं ये दोनों मेटोलाइट भी हैं राइट तो ये है डायगनल रिलेशनशिप एक बार फिर से देखते हैं सम एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंड पीरियड शो सिमिलैरिटीज विद द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड present diagonally to each other though belonging to different groups this is called diagonal relation ship right ab aisa kyu hai ye bhi hum dekh lete hain aisa isliye hai because of similarity in the value of atomic and ionic radius आपने अभी अभी देखा कि जो second period के element हैं second period के जो element हैं दे आर स्मॉल इन साइज और मैंने आपको बताया साइज़ की वजह से भी काफ़ी प्रॉपर्टी डिसाइड होती हैं साइज़ की वजह से भी काफ़ी प्रॉपर्टी डिसाइड होती हैं अगर साइज़ में सिमिलैरिटी है एटम के साइज में या आयन के साइज में तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज क्या होती हैं मैच करती हैं फॉर एक्ज़ाम्पल अगर आप देखोगे लीथियम का साइज़ वन फिफ्टी सोडियम का साइज़ वन बहुत ज़्यादा गैप है बट अगर आप लीथियम और मैग्नीशियम का साइज़ देखोगे सो so इट इज़ 152 फिफ्टी टू एंड इट इज़ वन तो बहुत ज़्यादा गैप नहीं है सो इट इज़ वट सिमिलर एटॉमिक रेडियस तो इसकी वजह से कुछ प्रॉपर्टी मैच करती हैं और वैसे भी जो लिथियम और मैग्नीशियम है वो तो आयन की फॉर्म में ही कंपाउंड बनाते हैं तो अगर आप आयनिक रेडियस देखोगे लिथियम आयन का है 76, सोडियम आयन का 102, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है बेरिलियम आइन का थर्टी वन और मैग्नीशियम आइन का सेवेंटी फाइव बहुत ज़्यादा डिफरेंस है बट अगर हम देखेंगे लिथियम और मैग्नीशियम का आयनिक रेडियस तो आप देखेंगे सरप्राइजिंगली दे आर क्वाइट सिमिलर सेवेंटी सिक्स एंड सेवेंटी फाइव तो इसी सिमिलैरिटी की वजह से क्या होता है जो प्रॉपर्टीज हैं उनमें सिमिलैरिटी होती है और वी कैन से दैट दिस इज द कॉज ऑफ डाइगनल रिलेशनशिप ठीक है इसके बाद हमने अभी तक जो देखे वो सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस थे या वेरिएशन थे या ट्रेंड थे अभी हम देखने वाले हैं केमिकल रिएक्टिविटी में राइट सो पीरियडिक ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी तो क्या है देयर इज हाई केमिकल रिएक्टिविटी एट टू एक्सट्रीम एंड्स एंड लोवेस्ट इन द सेंटर इसका क्या मतलब है अगर आप पीरियडिक टेबल के एंड्स में देखोगे तो यहां क्या है लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबीडियम सीजियम एंड फ्रेंशियम ठीक है और एक्सट्रीम राइट right में देखोगे अगर आप ग्रुप 18 को छोड़ दो तो यहां क्या होगा नियॉन uh, होगा यहां आर्गन होगा यहाँ सॉरी ये तो ग्रुप 18 है इसको अगर हम छोड़ दें ये तो इनएक्टिव uh, गैस है तो यहां होगा फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आइडीन एंड एस्टेटाइन तो ये क्या कह रहा है देयर इज हाई केमिकल रिएक्टिविटी एट टू एक्सट्रीमेंट मतलब ग्रुप वन की एलिमेंट बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और ग्रुप सेवनटीन के भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं जैसे आप यहां से राइट right में बढ़ो और यहां से लेफ्ट में बढ़ो ये जो रिएक्टिविटी है ये क्या हो जाती है कम हो जाती है क्यों वो भी आप देख लीजिए लिथियम बहुत आसानी से लिथियम आयन बना देगा एक इलेक्ट्रॉन देके या सोडियम क्या करेगा सोडियम क्या करेगा बहुत आसानी से सोडियम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डोनेट करके सोडियम आयन बनाएगा राइट right? इसके ऑपोजिट फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके फ्लोराइड आयन बनाएगा क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्लोराइड आयन बनाएगा तो ये है इलेक्ट्रो पॉजिटिव इनकेेक्टर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इनकेकटर बहुत आसानी से और ये हैं इलेक्ट्रो नेगेटिव इलेक्ट्रो नेगेटिव इन रेक्टर और यही रिएक्टिविटी का कारण है राइट सो देर इज हाई केमिकल रिएक्टिविटी एट टू एंड इन द सेंटर मतलब यहां से आप राइट right में बढ़ोगे तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर घटेगा और यहां से आप लेफ्ट में बढ़ोगे तो इलेक्ट्रो नेगेटिव कैरेक्टर भी घटेगा और आप देखते होंगे बहुत आसानी से सोडियम और क्लोरीन रिएक्शन करके क्या बनाते हैं सोडियम क्लोराइड राइट जबकि बीच वाले जो एलिमेंट हैं वो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन देते भी नहीं है इलेक्ट्रॉन लेते भी नहीं है इसलिए वो क्या बनाते हैं कोवलेंट कंपाउंड ये सब हमने क्लास टेंथ में पढ़ा है राइट या नाइन्थ में पढ़ा है राइट right? इसके बाद ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड मेटेलिक करेक्टर डिक्रीजेज एंड नॉन मेटेलिक करेक्टर इनक्रीजेज ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ जब भी आप किसी पीरियड में बढ़ते हैं लेफ्ट से राइट right में तो जो मेटेलिक करेक्टर है वो कम होता है और नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ जाता है इसका मतलब है किसी भी पीरियड के एक्सट्रीम लेफ्ट में मेटल होगा और एक्सट्रीम राइट right में क्या होगा नॉन मेटल होगा फॉर एग्ज़ाम्पल पीरियड नंबर थ्री फॉर एग्जाम्पल पीरियड नंबर थ्री क्या है सोडियम पोटेशियम, सॉरी 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 सोडियम के बाद आता है यहाँ होगा मैग्नीशियम मैग्नीशियम के बाद आएगा एल्यूमिनियम सिलिकन फॉस्फोरस सल्फर एंड क्लोरीन, ग्लोपेटिन को छोड़ देते हैं तो ये क्या है मेटल और ये क्या है नॉन मेटल है कि नहीं है तो जब हम लेफ्ट से राइट right जाएंगे तो मेटलिक करेक्टर घटेगा और नॉन मेटलिक करेक्टर बढ़ेगा केमिकल रिएक्टिविटी में आप देखेंगे फिर से जो मैं आपको बता रहा हूं मेटल्स हैं दोनों लिथियम एंड बेरिलियम तो मेटेलॉइड बोरॉन क्या है मेटेलॉइड है क्योंकि मेटली करेक्टर कम हो गया और राइट साइड में जाने पर नॉन मेटली करेक्टर बढ़ गया सो so, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरिन इवन नियोन भी क्या है नॉन मेटल्स है और ये सभी पीरियड में आपको मिलेगा राइट ऐसे अगर आप थर्ड पीरियड में देखेंगे तो सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम मेटल्स हैं सिलिकॉन मेटेलॉइड है और ये सारे क्या हैं नॉन मेटल्स हैं जब आप डाउन द ग्रुप चलते हैं ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप मेटेलिक करेक्टर इनक्रीजेज एंड नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप चलेंगे सो सोडियम पोटेशियम रुबीडियम सीजियम एंड फ्रेंशियम राइट इधर है लिथियम तो डाउन द ग्रुप जाने में क्या होगा है क्या होगा मेटेलिक करेक्टर बढ़ जाता है अगर मैं फ्रेंशियम को छोड़ दूं क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो देखिए इन सब में सबसे ज़्यादा मेटेलिक करेक्टर होगा सीजियम का और सबसे कम होगा लिथियम का क्योंकि सीज़ियम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करना बहुत आसान है क्यों बहुत आसान है क्योंकि लीथियम का साइज लीथियम का साइज सॉरी सीज़ियम का साइज क्या है सबसे बड़ा है इनमें और बड़ा साइज होने की वजह से जो आउटर मोशल का इलेक्ट्रॉन है वो बहुत कम अट्रैक्टिव फोर्स फील करता है न्यूक्लियस का इसलिए वो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है सो दिस इज वॉट द इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर और इसकी वजह से इसका मेटेलिक करेक्टर ज़्यादा है और नॉन मेटेलिक करेक्टर कम होगा बिकॉज मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक करेक्टर आर ऑपोजिट टू ईच अदर तो आप देख लीजिए थम रूल क्या है डाउन द ग्रुप जाने में मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है राइट इवन आप अगर आप किसी आ, आ, किसी नॉन मेटल वाले ग्रुप में भी डाउन द ग्रुप प्रोसीड करेंगे तो भी आप देखिए क्या चेंजेज होते हैं मान लीजिए मैं ग्रुप 15 की अगर बात करूं तो ये क्या है ये है नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक, ए एस एंटीमनी एंड बिस्मत राइट तो नाइट्रोजन इज ए टिपिकल वॉट नॉन मेटल और नीचे नीचे जाने पर में क्या है काफी ज्यादा मेटेलिक करेक्टर होता है तो चाहे वो नॉन मेटल का भी ग्रुप क्यों नहीं है सबसे नीचे वाला एलिमेंट में काफी ज्यादा मेटेलिक करेक्टर होता है इवन अगर आप हेलोजन में देखेंगे तो यहाँ क्या है यहाँ है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, आइडीन एन एस्टेटाइन तो एस्टेटाइन में काफी मेटेलिक करेक्टर होगा राइट right? तो आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, मेटेलिक करेक्टर इनक्रीजेस एंड नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीजेस इसके बाद है जब आप लेफ्ट से राइट चलते हैं लेफ्ट से राइट चलते हैं तो बेसिक करेक्टर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीजेस एंड एसेटिक करेक्टर इनक्रीजेस ये आपने क्लास टेंथ में ये जरूर देखा है वहां आपको क्या बताया गया था थोड़ा मैं एक बार आपको पिछले साल की याद दिला रहा हूं कि जो मेटल के ऑक्साइड हैं मेटल के जो ऑक्साइड हैं वो होते हैं बेसिक और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड हैं नॉन मेटल के जो ऑक्साइड हैं वो कैसे होते हैं एसिडिक ये आपको याद होगा क्लास टेंथ से ये थम रूल है राइट right. अब ऐसा क्यों है वो भी आप समझ लीजिए क्योंकि बेसिस क्या करते हैं एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं तो नॉन मेटल का ऑक्साइड मैं ले लेता हूं सोडियम ऑक्साइड तो देखिए एन ए टू ओ बेसिक है इसकी मैं अगर क्या करूं एच सी एल के साथ रिएक्शन करूं तो ये क्या है एसिड है तो ये रिएक्शन करके बनाता है सॉल्ट एंड वाटर तो आपको पता होगा फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन From the concept of neutralization reaction that acid reacts with base to form salt and water. अब आपको पता है HCl तो एसिड है तो ये क्या होना चाहिए बेस होना चाहिए और बेसिकली मैं इसको कहूँ बेसिक तो इसलिए क्या है मेटल के जो ऑक्साइड हैं वो क्या होते हैं बेसिक होते हैं क्यों क्योंकि वो एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं राइट right. अब देखिए सोडियम का ऑक्साइड और मैग्नीशियम का ऑक्साइड में ज़्यादा बेसिक कौन होगा वो ज़्यादा बेसिक होगा जिसमें जिसमें जिसके मेटल में मेटलिक करेक्टर ज़्यादा होगा तो सोडियम और मैग्नीशियम में मेटेलिक करेक्टर ज़्यादा किसमें है आपको पता है सोडियम में क्योंकि लेफ्ट से राइट जाने में मेटेलिक करेक्टर कम हो जाता है राइट और नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है तो सोडियम और मैग्नीशियम में से सोडियम में ज़्यादा मेटेलिक करेक्टर है इसलिए इसका जो ऑक्साइड है वो होगा स्ट्रांगली बेसिक एस बी फॉर स्ट्रांगली बेसिक मैग्नीशियम में थोड़ा मेटली करेक्टर कम है तो इसका जो ऑक्साइड है वो बेसिक होगा मतलब स्ट्रांगली बेसिक नहीं होगा एल्यूमिनियम में और भी मेटेलिक करेक्टर कम है इसलिए इसका जो ऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक होगा एम्फोटेरिक आपको पता है तो दोनों प्रॉपर्टी शो करता है अब नॉन मेटल यहां देखिए सिलिकन में नॉन मेटेलिक करैक्टर आ गया है तो इसमें जो नॉन मेटेलिक करैक्टर है वो क्या है आ, क्या है आ, आ गया है राइट right. तो इसलिए ये क्या हो गया है वीकली एसिडिक बहुत कमज़ोर एसिडिक ये होगा क्यों क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉन मेटेलिक करेक्टर है नहीं इसके बाद फॉस्फोरस के ऑक्साइड में आप देखिए एसिडिक करेक्टर है क्योंकि यहां नॉन मेटेलिक करैक्टर सिलिकन के कंपैरिजन में ज़्यादा है इसलिए ये हो गया इसलिए ये क्या हो गया एसिडिक अब सल्फर का एक ऑक्साइड है सल्फर ट्राईऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड भी बनता है तो यह है स्ट्रांगली एसिडिक ऐसा क्यों है क्योंकि सल्फर का जो नॉन मेटलिक करेक्टर है वो फॉस्फोरस से ज़्यादा है इसलिए ये क्या है स्ट्रांगली एसिडिक इसके बाद क्लोरीन में आप देखिए क्लोरीन का ऑक्साइड है सी एल टू ओ सेवन इट इज वेरी स्ट्रांगली एसिडिक दिस इज स्ट्रांगली एसिडिक राइट तो ऐसा क्यों है बिकॉज क्लोरीन का जो नॉन मेटेलिक करेक्टर है वो सल्फर से ज़्यादा है तो एक थम रूल ये भी हो गया द मोर इज द मेटेलिक करेक्टर द मोर इज मेटैलिक करेक्टर मेटेलिक करेक्टर करेक्टर ठीक होगा सो ऑक्साइड विल बी मोर बेसिक राइट एंड द मोर इज नॉन मेटेलिक करेक्टर द मोर इज नॉन मेटेलिक करेक्टर द मोर इज एसिडिक करेक्टर राइट द मोर इज एसिडिक करेक्टर राइट तो देखिए सोडियम यहां पर सबसे स्ट्रांग एसिड है सॉरी सर, सर, सॉरी सॉरी सबसे स्ट्रॉन्ग मेटल metal है मेटेलिक करेक्टर सबसे ज्यादा है तो इसलिए उसका ऑक्साइड सबसे ज्यादा बेसिक है और जो क्लोरीन है वो सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक करेक्टर है इसलिए उसका ऑक्साइड जो है सी एल टू ओ सेवन वो सबसे ज़्यादा एसिडिक है तो ये हो गया इनके करेक्टर के बारे में इसके बाद वही चीज जो मैं आपको बता रहा था ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बेसिक करेक्टर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीजेस एंड एसिडिक करेक्टर इनक्रीजेस तो इसका हम जान लेते हैं ऐसा क्यों है ऐसा, ऐसा इसलिए भी है क्योंकि किसी भी मेटल ऑक्साइड को मेटल ऑक्साइड क्यों बेसिक होते हैं मैंने उसके आपको दो रीजन एक रीजन बताया है कि अगर मैं इसकी एसिड के साथ रिएक्शन करूं तो ये क्या बनाएगा सॉल्ट एंड वाटर और जब मैं इसको पानी में डिजोल्व करता हूं तो ये बेस बनाता है एन ई ओ राइट बेसिकली जो रिएक्शन होनी है वो तो एक्वस मीडियम में ही होनी है जैसे ही आप सोडियम ऑक्साइड को पानी में डिजोल्व करोगे तो ये बना देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा एच के साथ रिएक्शन करके एन और वाटर बनाएगा इसलिए क्या होते हैं मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं राइट right? और अगर आप नॉन मेटल के ऑक्साइड को वाटर में डिजोल्व करते हैं क्योंकि ये एसिडिक है तो ये क्या बनाता है एक एसिड बनाता है तो ये क्या है पर क्लोरिक एसिड एच सी एल ओ फोर इट इज पर क्लोरिक एसिड ये क्या है दोस्तों क्लोरिक एसिड है क्योंकि इसने एसिड बना दिया है तो अगर मैं इसकी बेस के साथ रिएक्शन करूंगा तो ये अगेन क्या बनाएगा सॉल्ट एंड वॉटर एन एस सी एल एंड एस टू बनेगा तो थम रूल आपको समझ में आया है नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं क्यों क्योंकि नॉन मेटल के ऑक्साइड को जब मैं वाटर में डिजोल्व करता हूँ तो एसिड बनता है और उस एसिड को अगर मैं बेस के साथ रिएक्शन करता हूँ तो क्या बनता है सॉल्ट एंड वाटर राइट वो सॉल्ट अलग अलग टाइप के भी हो सकते हैं तो मैं आपको नॉर्मली यहाँ पे बता रहा हूँ एन एस सी एल एच टू ओ और जब मैं क्या करता हूँ जब मैं क्या करता हूँ मेटल के ऑक्साइड को वाटर में डिजोल्व करता हूँ तो ये बेस बनाता है इस बेस को जब मैं एसिड के साथ रिएक्शन करता हूँ तो ये बनाता है सॉल्ट एंड वाटर ठीक इसके बाद आप देखिए जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है वो ये है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द बेसिक करेक्टर ऑफ ऑक्साइड इनक्रीजेस एंड एंड और एसिडिक करेक्टर डिक्रीजेस अब बात हो रही है किसी ग्रुप में मान लीजिए ग्रुप वन है तो ग्रुप वन है तो सोडियम लिथियम के बाद लिथियम लिख लीजिए लिथियम सोडियम पोटेशियम रोबीडियम सीजियम एंड फ्रेंचियम को छोड़ दीजिए वो क्या है वो है आपका रेडियो एक्टिव तो अगर मैं आपको पूछूं किस मेटल का ऑक्साइड सबसे ज्यादा बेसिक होगा राइट किस मेटल का ऑक्साइड सबसे ज्यादा बेसिक होगा तो आपको मैंने रूल बताया है बेसिक उस मेटल का ऑक्साइड होगा जिसका मेटलिक करेक्टर सबसे ज्यादा होगा तो सबसे ज्यादा मेटेलिक करेक्टर कौन है सीजियम राइट right? तो क्या होगा अगर मैं लिथियम की ऑक्साइड सोडियम की ऑक्साइड पोटेशियम का ऑक्साइड रुबिडियम का ऑक्साइड और सीजियम का ऑक्साइड को कंपेयर करूँ तो हैं तो सारे मेटल तो सब में तो क्या होगा बेसिक करेक्टर ही होगा बट वो बेसिक करेक्टर भी डाउन द ग्रुप जाने में क्या हो रहा है बढ़ रहा है सो सीजियम ऑक्साइड जियम ऑक्साइड विल हैव मैक्सिमम बेसिक कैरेक्टर राइट सीजियम ऑक्साइड विल हैव विल विल हैव हैव मैक्सिमम बेसिक कैरेक्टर तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा और अगर आप एसिडिक कैरेक्टर की बात करेंगे तो वो कम होता है तो एसिडिक करेक्टर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा नॉन मेटल वाला ग्रुप देखना पड़ेगा तो अगर मैं देखूं ग्रुप सेवनटीन राइट right, अगर मैं देखूं ग्रुप सेवनटीन तो ग्रुप सेवनटीन कहा से शुरू होता है दिस इज फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एंड एस्टेटाइन तो मैंने आपको बताया डाउन द ग्रुप जाने में नॉन मेटेलिक करेक्टर नॉन मेटेलिक करेक्टर घटता है तो इसका जो ऑक्साइड होगा वो एसिडिक होगा इसका भी एसिडिक होगा इसका भी एसिडिक होगा इसका भी एसिडिक होगा, होगा, होगा बट यहां क्या होगा डाउन द ग्रुप जाने में एसिडिक करेक्टर ऑफ एसिडिक करेक्टर ऑफ ऑक्साइड ऑक्साइड विल डिक्रीज ऐसा क्यों है क्योंकि नॉन मेटेलिक करेक्टर कम हो रहा है और अगर आप लास्ट वाला एलिमेंट देखेंगे तो इसमें तो क्या है काफी मेटेलिक करेक्टर है तो इसका ऑक्साइड क्या हो जाएगा इसमें होगा बेसिक करेक्टर राइट तो बेसिक करेक्टर क्यों हो रहा है क्योंकि एसिडिक करेक्टर कम हो रहा है राइट सो दिस वॉज द वेरिएशन ऑफ एसिडिक एंड बेसिक करेक्टर इन पीरियड एंड ग्रो राइट तो इसके साथ ही हमारा ये वाला चैप्टर फिनिश होता है या ये वाला पार्ट फिनिश होता है जो था आपका पार्ट फोर ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट तो हमने चार पार्ट में पूरा किया है ये चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट राइट तो आपको अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और अपने आप से टेक्स्ट बुक पढ़िए राइट तो टेक्स्ट बुक आप देख सकते हैं या कोई रिफ्रेशर भी आप लगा सकते हैं टेक्स्ट बुक आप एन सी ई आर टी की देखिए रिफ्रेशर अगर आपने देखना है तो ए बी सी आती है और प्रदीप भी आती है तो जो भी आपको अच्छा लगे वो आप एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं बट एन सी आर टी तो रिक्वायर्ड है ही है बेसिक एन उसके बाद अगर आपको कुछ और जानना है तो वीडियो के साथ साथ ये तीनों बुक्स जो आपको ठीक लगती हैं वो जरूर आप पढ़िए राइट सो so, ये चैप्टर फिनिश होता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी एंड थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग